मसीनिया जब तक रहेगी तो वही आएंगे, कंफर्म मान लीजिए। अच्छा, इतना तो कंफर्म है। मोदी जी को बिना वोट दिए ही चुनाव जिता दिया जाए, डायरेक्ट उनको पीएम बना दिया जाए, चुनाव कराने की जरूरत न पड़े। वो जो मुहर मारा जाता है बैलेट पेपर पर, नहीं उनके पास संपत्ति कम है सहारा वाले के पास, पैसा भरपूर है ना। अभी सहारा के एक लोग खत्म हो चुके हैं, मुखिया धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म, कहाँ गया पते नहीं। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुझ कुमार। फिलहाल हम लोग वाराणसी में हैं और यहां पर एक जगह पर हम लोग बैठे हैं, चाय पानी की दुकान है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे ईवीएम मशीन पर, और भी मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन फिलहाल बात करेंगे ईवीएम पर कि इनको भरोसा है कि नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, साफ सुथरा हो, किसी को संदेह न रहे। और यदि जनता को भरोसा नहीं है, जो जनता सरकार चुनने की अधिकारी है उसको ये भी अधिकार है कि सरकार कैसे चुनना है, यानी कि ईवीएम से वोट देंगे या फिर पेपर बैलेट से। तो लोगों से हम जानेंगे, एक चुनाव आयोग घूमों के इस समय डेमो दिखा रहा है कि देखो मशीनियाँ सही है, जिसको दबाया उसी का छापा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो हमने कई बार आपको दिखाई है। जनता से जानते हैं कि लोगों को मशीन पर भरोसा है कि नहीं। हाँ ना में जवाब लेंगे, मशीन जिस पर वोट डालते हैं उस पर भरोसा है जी नहीं? क्या लगता है उसमें गड़बड़ी हो? उसमें गड़बड़ी होती है, हो सकती है, हो सकती है। आपको क्या लगता है उसमें भी गड़बड़ी है सर? है कि हो सकती है? है, कारण ये। क्या चाहते हैं आप? बैलेट पेपर से हो। विश्व की पहली अर्थव्यवस्था अमेरिका जो है, वो अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये सारे देश बैलेट पेपर से कराते हैं। क्या उनसे हमारी टेक्नोलॉजी सबसे उन्नत है? आप बताइए, उनसे हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत है? नहीं है। लेकिन वो फिर भी बैलेट से कराते हैं, क्यों? कारण यही है कि ईवीएम हैक हो सकता है और बैलेट पेपर कभी हैक नहीं हो सकता, इसी कारण से। कुल मिला के लोग ये कहते हैं कि भाई जब इतना ही भरोसा है कि हम 400 ला ही रहे हैं तो चलो मैदान में, चाहे पेपर से चाहे मशीन से। हाँ बिल्कुल, तो किस बात का डर है? जो सही रहेगा वो तो निकलेगा ही सर। मशीन पे भरोसा है? नहीं नहीं है। किस पे भरोसा है? पेपर में, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर। मशीन भरोसा है? अरे नहीं सर। दियो कभी? हाँ दिए। मशीन भरोसा नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं। क्या चाहिए? पेपर? बिल्कुल पेपर से होना चाहिए आपको, सबको सेम चाहिए। क्या पेपर ही चाहिए, मशीन नहीं चाहिए? नहीं। मशीन भरोसा नहीं है। अच्छा, चुनाव आयोग के अधिकारी घूम घूम के दिखा रहे हैं कि मशीन देख लीजिए इसे करता है, तब भी भरोसा नहीं हो रहा है? अरे अधिकारियों का क्या लेना देना भैया, वो आप क्या बोल दें कोई सही नहीं है। देखिए अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं है? नहीं। कुल मिला के मशीन भरोसा नहीं है। चाचा आप वोट देते हैं? देना चाहिए, जिम्मेदारी है आपकी, है ना? तो मशीनियाँ भरोसा है कि नहीं? भरोसा नहीं, ना भरोसा। गाँव में चर्चा हो थी मशीन का? नहीं। चर्चा गांव में चर्चा होती है कि नहीं कि मशीन हटना चाहिए? हाँ गांव में चर्चा होती है। आप क्या चाहते हैं, मशीन हटना चाहिए? मशीन हटना चाहिए, हटना चाहिए। पेपर भरोसा है? अच्छा चाचा, जो मशीन का बटन दबा के वोट दिया जाता है उस पर भरोसा है? नहीं नहीं है। नहीं, किस पे भरोसा है? वो जो मुहर मारा जाता है बैलेट पेपर पर, थप्पा पे भरोसा है? हाँ, मतलब थप्पा लगाएंगे बटन नहीं दबाएंगे? नहीं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मारा मशीन पे नहीं है, मशीन भरोसा नहीं है? किस पे? मारा बैलेट पेपर पर। तो आप लोग क्या इसके बारे में कहीं लिखते पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, लोगों से बताते हैं? उठाते हैं, मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, सुनते नहीं, सुन नहीं रही है, चुनाव आयोग भी नहीं सुन रहा। दो तीन बार हम लोग उठाए, मिला ही नहीं हम लोग को, वही होता है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप परीक्षा हाल में परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना, और चाहते हैं कि जो परीक्षा हाल में जो होता है इन्विजिलेटर, वो हमारा आदमी हो, तो आपके मन में क्या है? तो वही रहता है, मतलब आप करना चाहते हैं तभी अपना आदमी लगाना चाहते हैं ना? नहीं, चोरी करने के लिए जो मतलब सबको समाज के होना चाहिए ना, मतलब सबके बराबर होना चाहिए ना, नहीं एक के नहीं होना चाहिए, एक के नहीं होना चाहिए, नहीं वो जो गरीब है अमीर है सबका एक बराबर होना चाहिए। मोदी जी तो यही कर रहे हैं, चुनाव आयोग में अपने अधिकारी रख रहे हैं, रख रहे हैं भाई, तो तभी तो जा रहे हैं। गबन बक्सवा बदल वही हैं, उससे का गमछा से पड़े गमछा पहन था, हां जो हम पैसा लगू ले ले ले। अच्छा वोट देते हैं आप, मशीन पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा है। लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं? कोई गड़बड़ी नहीं है, ये जो सवाल उठ रहा है कोई सवाल नहीं उस पर, जो मशीन है, जो 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 आदमी बनाया है मशीन को, वो दिमाग से ही बनाया है,
ये नहीं कि उसका वोट करेगा तो उस पर चला जाएगा, नहीं कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी हो सकती है, वो भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। जो दुनिया भर के देश उसको छोड़ चुके हैं उसको क्या कहेंगे? दुनिया भर के देश छोड़े देशों में टेस्टिंग वही लगा कि इसमें धांधली हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा है कि रिप्ले तो होना चाहिए। अगर दुनिया भर ने कर छोड़ा है तो भारत को भी कर छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, पहले इसको देख ले, एक बार और देख ले उसको, फिर कोई बात वोटिंग हो जाएगी। कितनी बार देखा जाए भाई? अरे देखा जाए उसको, तीन बार, तीन चार बार तो हो गया, देखा पांच बार हो गया। कितनी बार देखेंगे? कम से कम उसको छह बार देखें। हाँ, छह बार के बाद देखने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत ये है कि मोदी जी को बिना वोट दिए ही चुनाव जिता दिया जाए, डायरेक्ट उनको पीएम बना दिया जाए, चुनाव कराने की जरूरत न पड़े। हाँ, राजा घोषित कर दिया जाए, प्रधानमंत्री का पद हटा दिया जाए। नहीं, पद वो जब उनके हाथ तो उनके हाथ में है, ये है तो चुनाव कराने कोई मतलब है नहीं है। अच्छा, मशीन भरोसा ही नहीं आपको? कुछ भी नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मशीन तो हमेशा बनारस में पूरी की पूरी सीट जीत गए मोदी जी, विधानसभा में माहौल था नहीं, जबरदस्ती हरा दिए लोगों। हमने जितनी जनता से वाराणसी के तमाम विधानसभा सीटों पर सर्वे किया था, उतना शायद किसी ने भी नहीं किया था, चाहे जितना बड़ा चैनल हो उस वक्त शुरुआत में। लेकिन हमें भी ये एहसास नहीं हुआ कि 8 में 8, हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम 3-4 सीटें बीजेपी हार जाएगी। हाँ, हाँ, और लोगों से जो बातचीत हो रही थी, जो निकल रहा था, वो हम बता रहे हैं। ऐसा था भी, लेकिन जबरदस्ती लोगों को हरा दिया गया, ये इनका आरोप है। और जिस तरह का माहौल था उसके अनुरूप रिजल्ट बिल्कुल नहीं था, ये हमने खुद ही दिखाया भी था, पुराने वीडियोज में जाके देखेंगे तो पता चलेगा। महंगाई वगैरह भी मुद्दा होगा क्या चुनाव में? महंगाई क्या, दुनिया एकदम आज की वो स्थिति है कि आम आदमी के पास 1 रुपया नहीं, जो गिट्टी बालू की मंडी है ना, सारे मोटर मालिक अपनी गाड़ियां बेच करके जो है वो घर बैठ गए हैं, उनके पास किस्त भरने का पैसा नहीं, टैक्स भरने का पैसा नहीं है, फिटनेस कराने का पैसा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक यही मंडी अगोर रहे हैं, एक गाड़ी बिक नहीं पा रहा है। मतलब जनता के पास अगर पैसा होता तो घर बनाते और ये मोटर मालिक खुशहाल रहते। सबसे ज़्यादा वसूली गाड़ी वालों से हो रही है और बेवजह की हो रही है। वसूली भी होती है, अरे राम राज में वसूली होती है, बहुत भयंकर वसूली चल रही है। आरटीओ खनन सिर्फ जो है पैसे पे, पैसा दीजिए सारा पेपर आपका सही है, पैसा नहीं दे रहा है, बस बीच रास्ते में खड़े करके चलिए 3 का 13 लीजिए। तो इस बार क्या माहौल है? माहौल हम तो बता दिए कि यहाँ पे चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, चुनाव तो वैसे ही पहले से मोदी जी जीत चुके हैं। हाँ, पहले से बोल रहे हैं, विधानसभा में भी बोल रहे थे कि हम 300 के पार हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, कुछ भी हो जीतेंगे तो जोगी ही, तो बस यही बात है, कुछ भी हो आएंगे तो वही, बस अब कैसे आएंगे ये पता लगाते रहे। मशीनियां जब तक रहेगी तो वही आएंगे, कन्फर्म मान लीजिए। अच्छा, इतना तो कन्फर्म है कि जब तक मशीन रहेगी। क्या नाम है आपका? हम तो मिस्त्री है, मैकेनिक है। हाँ, कोई वोट देते हैं? वोट देते हैं, मशीन भरोसा है? नहीं नहीं है, नहीं, खप्पा वाले भरोसा है, चाहते हैं कि बदल जाए। सबको बैलेट पेपर पे ही भरोसा है, ईवीएम पे नहीं। ईवीएम पे नहीं, ईवीएम पे नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश है। मशीन भरोसा है? मशीन पर? मशीन ईवीएम मशीन नहीं, नहीं है। क्या चाहते हैं? 2500 पर्ची भरोसा है, उसमें भी तो कहते हैं लोग पेटियां बदल जाती है, कहने को तो दुनिया कहता है। अरे अभी भाजपा का एक आदमी चंडीगढ़ में, वो तो पर्ची पलट दिया, विपक्ष का सारा वोट खराब कर दिया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, तो जब पर्ची में ही सब गड़बड़ हो जा रहा है। देखा भैया, पहली बात तो यही कि हमके सरकार से कोनो मतलब ना, हाँ, चाहे पर्ची से हो चाहे मशीन से, हम ये जान रहे हैं कि जो हमारे सामने है न जाने कई करोड़ लोग, जनता, गरीब सहारा में पैसा फंसा है, आज मिलेगा कल मिलेगा यही सब कर रहे हैं। आज 6 साल हो गया, न कभी इसका न्यूज आता है न कुछ आता है, नया नया समस्या पहले ही उखाड़ के उसके बारे में खुदवा निपरवा करते हैं। अच्छा, मतलब पुरानी समस्या भूल जाए, नई समस्या। अच्छा, इसी तरह से प्रधानमंत्री अभी अगले 5 साल का बता रहे हैं, सहारा में क्या कर रहे थे आप? सहारा में आप लोगों का पैसा कितना पैसा है? हमारा 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख कब से जमा किया आपने?
हम जमा किए सन 2000 में से। अच्छा, पिछले दिनों कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि सरकार कुछ खेल करके चाहती है कि जो पैसा बचा हुआ है वहाँ पे वो पैसा देर से निपटा दिया जाए। तो यही होवे करेगा, जो जमा किया है जो नाम नहीं है खत्म हो जाएगा। तो भैया आप किसको दें, लाइए ये लेकर आइए पर्चा, तो वो लेकर आइए, वो कहाँ से लेकर आएगा? कागज मांग देंगे, इतना कागज मांग देंगे कि आदमी ढूंढते ढूंढते परेशान। अब 2-3 साल से यही ना हो रहा है, तो आदमी धीरे 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 अपना काम छोड़ के जा रहा था। काम का भी अथवा हो, अब वहाँ जाने के बाद अप्रैल में मिल जाएगा, संतुष्टि देते हैं। आदमी थकार के छोड़ देगा और फिर पैसा। अरे जब्त करना है तो उनका रकम की उनकी संपत्ति जब्त कीजिए, उनके पास संपत्ति कम है सहारा वाले के पास। पैसा भरपूर है ना, अभी सहारा के एक लोग खत्म हो चुके हैं, मुखिया धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। पैसा खत्म, कहाँ गया पते नहीं। गरीब के पास उतनी औकात नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन वही गरीब वोट देता है। वोट देने ना देने से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब है? वोट देना भी जरूरी है, क्या करेगा वोट किसको देगा? किस मुद्दों पर देगा जो लगेगा सही। कौन सुनता है जरा आप हमें बताइए ना। अच्छा, सहारा श्री के सब करीबी थे, वो मुलायम परिवार हो, हाँ, कांग्रेस वाले हो, हाँ, बीजेपी वाले हो, हाँ, कोई वजह पैसे वालों के सब करीबी होते हैं, तो गरीबों का कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, जो जो नियम लागू हुआ है कभी अमीरों को हुआ कि गरीब को? हमेशा तो गरीबों को होता ही है। अमीरों का तो टैक्स कम कर दिया जाता है जी, अमीर तो अपने हैं ना। तो चलिए यहाँ पर हमने, अगर आप लोग वहाँ तक आए तो थोड़ा सहारा पे ध्यान दीजिए। चलिए हम सहारा पे एक विस्तृत वीडियो में चर्चा करेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है? तो ईवीएम पर ज्यादातर लोगों का, क्या लगभग सभी लोगों का यही कहना है कि अगर लोगों को भरोसा नहीं है तो बदल दिया जाए, और भरोसा नहीं है ये आपने देखा वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, पहली बार देख रहे हैं तो अपनी राय भी आप लोग, हालांकि हम किसी भी मुद्दे पर बात करें आप ज्यादातर कमेंट ईवीएम को लेकर ही करते हैं, जब तक ईवीएम है वो रहेंगे, तो अपनी राय फिर से लिखते रहिए। हालांकि ऐसी कोई उम्मीद अब तक नजर नहीं आई है सरकार की तरफ से कि इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है, चुनाव आयोग ने भी उल्टा रिएक्शन दिखने को मिल रहा है। हालांकि ये डर ही है, जनता जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, ये कहीं ना कहीं डर दिख रहा है कि अलग अलग तरीके से चुनाव आयोग लोगों को ये बताने की कोशिश में है कि भरोसा करिए, लेकिन जो भरोसा टूट चुका है उसको दोबारा पैदा करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।